क्वेश्चन नंबर थ्री इन एन ए पी गिवन ए इक्वल टू फाइव डी इक्वल टू थ्री एंड ए एन इक्वल टू फिफ्टी एंड फाइंड एन एंड एस एन एस एन में सम ऑफ टर्म देखो ए पी में दो फॉर्मूले होते हैं एक होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और दूसरा एस एन का एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी या फिर एस एन का ही फॉर्मुला यूज कर सकते हैं हम लास्ट टर्म के साथ ए प्लस एल एल हो या ए एन हो एक ही बात है तो देखो यहां पे हम दोनों फॉर्मूलों को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं किस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही अननोन टर्म बचती है बाकी सारी गिवन है अगर हम इसको देखते हैं देखो ए एन गिवन है हमें ए एन फिफ्टी है ए गिवन है फाइव है और एन तो नहीं गिवन लेकिन डी गिवन है हमें थ्री है अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहां से हमें एन मिल जाएगा इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी देखो ए एन की वैल्यू फिफ्टी है ए की वैल्यू फाइव एन माइनस वन इंटू डी इस फाइव को यहाँ लाके माइनस कर सकते हैं तो फिफ्टी माइनस फाइव इट इज फोर्टी फाइव ये फोर्टी फाइव आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी डी की वैल्यू रखनी थी हमें डी इक्वल टू थ्री है अब इस थ्री को क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड है एन माइनस वन से तो इसको डिवीज़न मिला सकते हैं हम तो फोर्टी फाइव बाई थ्री इक्वल टू एन माइनस वन आ गया थ्री से कट किया इसको थ्री वन या थ्री थ्री फाइव या फिफ्टीन तो ये आ जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू फिफ्टीन सो एन इक्वल टू सिक्सटीन देखो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया फर्स्ट पार्ट क्या था हमें एन फाइन करना था तो एन की वैल्यू आ गई अब हमें फाइन करना है एस एन देखो इस वाले एस से ही फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एन पता है हमें ए पता है एन भी और डी भी और यहां देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता है हमें तो ये फॉर्मूला ज्यादा ईजी रहेगा तो सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं एस एन के लिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल एन की वैल्यू कितनी आ गई सिक्सटीन इट मीन एस सिक्सटीन इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन टू ए इज फाइव प्लस एल इज लास्ट टर्म लास्ट टर्म मींस ए एन इट इज 50 टू से कट किया एट आ गया ये तो एट इन टू अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं एट फाइव जा फोर्टी एट फाइव जा 40 एंड 44 तो ये सम टू एन टर्म आ गया हमारा तो हमें दो चीजें फाइंड करनी थी एक तो एन और एक सम टू एन टर्म इसका सेकेंड पार्ट गिवन है ए इक्वल ए थर्टीन इक्वल टू थर्टी फाइव देखो यहाँ ए थर्टीन दिया हुआ है इसका मतलब एन इक्वल टू थर्टीन है पता है पहले से इसका हमें डी और एस थर्टीन करना है तो देखो यहाँ तीन चीज़ें दी हुई हैं एक तो फर्स्ट टर्म एक नंबर ऑफ टर्म्स और एक लास्ट टर्म तो अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी देखो यहाँ पे एन की वैल्यू थर्टीन दी हुई है हमें तो ए थर्टीन इक्वल टू ए प्लस थर्टीन माइनस वन थर्टीन माइनस वन इन टू डी आ जाएगा ए थर्टीन हमें पता है थर्टी फाइव ए की वैल्यू गिवन है सेवन थर्टीन माइनस वन इट इज़ ट्वेल्व डी थर्टी फाइव माइनस सेवन अगर माइनस कर दें हम तो यह आ जाएगा ट्वेंटी एट इक्वल टू ट्वेल्व डी अब इससे हम डी निकाल सकते हैं ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इक्वल टू डी आ जाएगा सिक्स टू या फोर थ्री या ट्वेल्व एन फोर सेवन या ट्वेंटी एट ये आ जाएगा हमारे पास डी इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री अब डी की वैल्यू आ गई और बाकी हमारे पास तीन वैल्यू पहले से पता थी अब हम निकाल सकते हैं एस थर्टीन एस थर्टीन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल क्योंकि देखो तो एल भी पता है ए भी पता है हमें तो यहाँ पे एस थर्टीन है थर्टीन के केस में एन की वैल्यू थर्टीन हो जाएगी थर्टीन अपॉइंट टू ए प्लस एल दैट इज सेवन प्लस एल एल इज़ लास्ट टर्म थर्टी फाइव थर्टीन अपॉन टू इन टू सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व फोर थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा ये इसे हम कट कर सकते हैं ट्वेंटी वन से तो देखो थर्टीन वन या थर्टीन थ्री आ गया और थर्टीन टू या ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स और एक ट्वेंटी सेवन आ जाएगा ये हमारे पास आ गया सम टू थर्टीन टर्म्स तो देखो एक आंसर यहाँ आ गया और एक आंसर में डी निकालना था वो यहाँ आ गया है इसका थर्ड पार्ट ए ट्वेल्व इक्वल टू थर्टी सेवन मीन्स यहाँ पे एन की वैल्यू ट्वेल्व गिवन है डी की वैल्यू थ्री है और ए एन इक्वल टू थर्टी सेवन है तो तीन वैल्यूज गिवन है ना तो यहाँ पे हम ए एन अप्लाई कर सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इसलिए ए ट्वेल्व इक्वल टू ए ए हमें पता नहीं है एन माइनस वन मीन्स ट्वेल्व माइनस वन इंटू डी डी इज थ्री देखो ए ट्वेल्व की वैल्यू यहाँ पे गिवन है थर्टी सेवन तो यहाँ थर्टी सेवन पुट कर दिया हमने इक्वल टू ए प्लस ट्वेल्व माइनस वन इट इज़ इलेवन तो इलेवन इंटू थ्री ये थर्टी थ्री आ जाएगा तो ए फाइंड करने के लिए इस थर्टी थ्री को यहाँ से ला के माइनस कर देंगे हम तो ए इक्वेल टू थर्टी सेवन माइनस थर्टी थ्री इट इज फोर इट मीन्स ए की वैल्यू फोर आ गई देखो तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया कि ए की वैल्यू फाइंड करनी थी अब हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ ट्वेल्व टर्म्स सम ऑफ ट्वेल्व टर्म्स मीन्स ट्वेल्व अपॉन टू फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म लास्ट टर्म मीन्स एनएच टर्म तो देखो इसे हमने कट कर दिया यह आ गया टू सिक्स या ट्वेल्व सिक्स ए फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं यहां फोर आ गई है और जो लास्ट टर्म है वह एनएच टर्म है दैट इज थर्टी सेवन ये थर्टी सेवन आ गया तो सिक्स इन टू फोर्टी वन आ गया अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स वन या सिक्स और सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर तो ये सम ऑफ ट्वेल्व टर्म आ गया ये यही दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी थी एक फर्स्ट टर्म और एक सम ऑफ ट्वेल्व टर्म्स इसका फोर्थ पार्ट ए थ्री इक्वल टू फिफ्टीन मीन्स ए प्लस टू डी इक्वल टू फिफ्टीन हमें गिवन है और देखो ना तो ए गिवन है और ना ही डी तो यहाँ से हम ए और डी में रिलेशन निकाल सकते हैं कि ए इक्वल टू फिफ्टीन माइनस टू डी ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया इसे यहीं छोड़ देते हैं आगे दिया हमें एस टेन इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव सम ऑफ टेन टर्म इक्वल टू टेन अपॉन टू टू ए की वैल्यू पता नहीं हमें माइनस प्लस टेन माइनस वन इन टू डी देखो यहाँ ए और डी दोनों ही मिसिंग है इस टू से कट किया हमने टू फाइव आ गया एस टेन की वैल्यू हमें पता है एस टेन इक्वल टू वन ट्वेंटी फ़ाइव तो इसे यहाँ पुट कर दिया ये फ़ाइव आ गया टू ए प्लस नाइन डी देखो ये फ़ाइव इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है इस फाइव को अगर यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे डिवीज़न में आ जाएगा ये तो वन ट्वेंटी फ़ाइव डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल टू टू ए प्लस नाइन डी ये आ जाएगा और इस फ़ाइव से इसे कट कर सकते हैं हम फाइव 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 टू जाए एंड फाइव फाइव जा इट मीन्स टू ए प्लस नाइन डी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव आया अब देखो फर्स्ट जो इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी इस इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी फाइंड की थी उस वैल्यू को यहां रिप्लेस करते हैं 2a टू ए इज फिफ्टीन माइनस टू डी प्लस नाइन डी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और रीजन क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन वन हमने वन इक्वेशन से इसे पिक किया है अब इसे सॉल्व कर देंगे देखो इसमें सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट आ रहा है डी अकेला मतलब एक ही वेरिएबल डी आ रहा है टू से मल्टीप्लाई किया तो टू फिफ्टीन जा थर्टी माइनस टू टू जा फोर डी प्लस नाइन डी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इस थर्टी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं हम और यहाँ बचेगा माइनस फोर प्लस नाइन तो प्लस का फाइव डी इक्वल टू इस ट्वेंटी फाइव में से थर्टी माइनस करेंगे तो माइनस का फाइव आ जाएगा इट मीनस डी इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव दैट इज माइनस वन देखो d की वैल्यू आ गई माइनस वन अब d की वैल्यू आ गई हमें फाइंड क्या करना था इसमें एक तो हमें d फाइंड करना था वो आ गया दूसरा हमें फाइंड करना है टेन तो ए टेन के लिए ए टेन इक्वल टू ए प्लस नाइन डी आ जाएगा ए की वैल्यू हमने फाइंड नहीं किए इसीलिए यहाँ पर निकलता पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो ए की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं इससे फ्रॉम वन ए इक्वल टू फिफ्टीन माइनस टू डी मीन्स फिफ्टीन माइनस टू इंटू माइनस वन टू इंटू माइनस वन ये जगह माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू मतलब सेवनटीन आ गया फिफ्टीन प्लस टू फिफ्टीन प्लस टू हो जाएगा जो सेवनटीन हो गया अब उस ए की वैल्यू यहां रखते हैं सेवनटीन प्लस नाइन डी डी माइनस वन सेवनटीन माइनस नाइन इसका मतलब एट आ गया तो एट टेन इक्वल टू एट हमें यहां दो चीजें फाइंड करनी थी एक तो ए टेन फाइंड करना था वो आ गया और दूसरा डी था डी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं माइनस वन इसका फिफ्थ पार्ट d इक्वल टू फाइव और s नाइन इक्वल टू सेवनटी फाइव एस नाइन सेवनटी फाइव का मीनिंग क्या होगा कि n इक्वल टू हमें नाइन गिवन है पहले से अगर हम s नाइन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं s नाइन इक्वल टू नाइन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी देखो यहाँ पे जो n होगा वो पहले से नाइन है हमारे पास तो नाइन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा s नाइन की वैल्यू हमें गिवन है इट इज़ सेवनटी फाइव नाइन बाई टू यहाँ टू ए ए की वैल्यू नहीं पता हमें प्लस एट इंटू डी एट इंटू डी इज फाइव अब इस टू को हम लेफ्ट हैंड साइड ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 75 फाइव इंटू टू इट इज वन फिफ्टी इज इक्वल टू नाइन टू ए प्लस फोर्टी ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करके पहले हम ए फाइंड करेंगे तो देखो ये वन फिफ्टी आ गया नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया नाइन टू या एटीन ए प्लस नाइन को फोर्टी से मल्टीप्लाई किया नाइन फोर या थर्टी सिक्स थ्री सिक्सटी आ जाएगा मीन्स वन फिफ्टी माइनस थ्री सिक्सटी इक्वल टू एटीन ए मिल जाएगा हमें अब एटीन ए की वैल्यू आ जाएगी थ्री सिक्सटी में से वन फिफ्टी को माइनस कर देते हैं हम तो ज़ीरो माइनस जीरो आएगा सिक्स माइनस फाइव इट इज़ वन एंड थ्री माइनस वन इक्वल टू टू माइनस टू हंड्रेड टेन इट मीन्स यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस टू हंड्रेड टेन अपॉन एटीन ये कट जाएगा थ्री से थ्री सिक्स या एटीन थ्री सेवन या ट्वेंटी वन ये फर्दर टू से कट जाएगा टू थ्री ज़ा एंड टू थ्री जा फाइव ज़ा इट मीन्स ये आ गया माइनस थर्टी फाइव अपॉन थ्री तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई है ए इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव अपॉन थ्री एक वैल्यू तो तो हमें ए की निकालनी थी जो हमारे पास आ चुकी है अब दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें ए नाइन की तो ए नाइन इक्वल टू ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी ए हमें पता लग चुका है देखो ए की वैल्यू में आप फाइंड कर चुके हैं माइनस थर्टी फाइव बाई थ्री तो यह आ जाएगा माइनस थर्टी फाइव बाई थ्री प्लस नाइन माइनस वन इज़ एट d डी इज फाइव इसको सिंपली कैलकुलेट करना है माइनस थर्टी फाइव बाई थ्री

तो यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी एक तो नाइन्थ टर्म फाइंड करनी थी और एक फर्स्ट टर्म इसका सिक्स पार्ट गिवन है ए इक्वल टू टू एन डी इक्वल टू एट साथ में एस एन इक्वल टू नाइन डी इसमें एन मिसिंग है और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें तो देखो अगर हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी देखो इसमें एस एन की वैल्यू तो गिवन है हमें लेकिन एन नहीं पता हमें एन इक्वल टू यहाँ नाइन्टी है इट मीन्स नाइन्टी इक्वल टू तो एन बाई टू टू ए, ए भी गिवन है इसमें तो ए की वैल्यू पुट करते हैं हम टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी इज एट देखो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये नाइन्टी इक्वल टू इस एन बाई टू से अगर हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इस टू से ये टू कट जाएगा तो ये आ जाएगा टू एन प्लस इस एन बाई टू से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टू से एट कट जाएगा और ये आ जाएगा एन इन टू एन माइनस वन इंटू फोर इस तरह से आ जाएगा ये और यहीं तो चाहें तो हम इसको अंदर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर किसी को इससे दिक्कत हो तो इंदर ब्रैकेट सिम्प्लीफाई कर दो सिंप्लीफाई इस तरह हो जाएगा ये एन बाई टू यहाँ टू टू या फोर हो जाएगा एट को एन से मल्टीप्लाई किया ए एन हो जाएगा माइनस एट अब देखो ये क्या बनेगा अंदर एन बाई टू एट एन माइनस फोर तो ऐसे भी कर सकते हैं इसके बाद हम एन बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो सकता है कि स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मैं डायरेक्टली इससे कर देता हूँ सिम्प्लीफाई करने के बाद सिम्प्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 90 आ गया और यहाँ पे अगर n बाई टू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं या देखो इसमें और इसमें दोनों में ही टू कॉमन आ रहा है इसमें फोर कॉमन आ रहा है तो फोर को कॉमन ले लेते हैं इसमें से हम तो एन बाई टू इन टू फोर कॉमन लिया हमने इसमें से तो यहाँ बचेगा टू एन माइनस वन इस टू से टू कट जाएगा और इस टू को हम नीचे डिवीजन में ला सकते हैं इससे क्या होगा इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती है ये हो जाएगा नाइन्टी अपॉन टू इक्वल टू यहां एन बचेगा इस एन से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टू एन स्क्वायर माइनस एन इस टू से कट कर दिया ये आ गया फोर्टी फाइव अब देखो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो अब हमें इसे दो नंबर सपोज करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन टू इंटू फोर्टी फाइव आई मीन्स नाइन्टी आए लेकिन सब करने के बाद क्योंकि देखो यहाँ माइनस साइन है सब्ट्रैक करने के बाद वन आना चाहिए देखो टेन इंटू नाइन नाइन्टी होता है बट टेन माइनस नाइन इट इज़ वन तो हमारे पास दो नंबर आ गए टेन और नाइन तो यहाँ पे हम लेते हैं टेन और नाइन में इसको स्प्लिट करते हैं क्वान्टिटी को टू एन स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस नाइन एन माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू ज़ीरो अब इसमें से फर्स्ट टू में से और नेक्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू में देखो टू एन कॉमन है तो यहाँ बचेगा एन माइनस फाइव नेक्स्ट टू में से नाइन कॉमन है तो ये एन माइनस फाइव बच गया इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स जो एन माइनस फाइव है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा देखो यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा टू एन प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो एन माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो और टू एन प्लस नाइन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू फाइव अगर इसको हम जीरो पुट करते हैं तो एन की वैल्यू फाइव आएगी और यहाँ से अगर निकालते हैं तो देखो टू एन इक्वल टू माइनस नाइन एन इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू ये केस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एन नेचुरल नंबर नहीं है और नंबर ऑफ टर्म्स हरदम नेचुरल नंबर होनी चाहिए तो इसको रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर तो एन की वैल्यू आ गई फाइव अगर हमारे पास एक बार एन की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में देखो पहले तो हमें एन फाइंड करना था वो आ गया है अब हमें ए एन फाइंड करना है ए एन फाइंड करना मतलब ए फाइव फाइंड करना है तो अब इसमें से हम ए एन ए एन फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ए एन फाइंड करना था मीन्स ए फाइव फाइंड करना है ए फाइव इक्वल टू ए प्लस फोर डी जिसमें से हमें ए भी पता है ए है टू फोर और डी की वैल्यू है एट मीन्स टू प्लस थर्टी टू एट फोर या थर्टी टू तो ये आ जाएगा थर्टी फोर तो ए फाइव और ए एन इक्वल टू थर्टी फोर तो देखो तो दोनों चीज़ आ गई एन भी आ गया और ए एन भी आ गया इसका सेवन्थ पार्ट गिवन है यहाँ पे ए इक्वल टू एट एंड ए एन यानी कि लास्ट टर्म इक्वल टू तो सिक्सटी टू और एस एन इक्वल टू टू हंड्रेड यहाँ पे हमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करने में बेनिफिट है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन एल यहाँ डिनोट करता है ए एन को या लास्ट टर्म को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या ए एन भी लिख सकते हैं इसको तो देखो यहाँ एस एन की वैल्यू गिवन है हमें एस एन इक्वल टू टू हंड्रेड टेन एन की वैल्यू नहीं पता हमें ए ए इज एट और एल एल मीन्स लास्ट टर्म लास्ट टर्म इज सिक्सटी टू तो देखो इन दोनों इन सबको सॉल्व करके हम यहाँ से एन फाइंड कर सकते हैं इस टू से ला के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया टू से इसको मल्टीप्लाई किया तो टू को जीरो टू वन 2 टू, टू 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 जा फोर इक्वल टू एन इन दोनों को ऐड कर दिया टू प्लस एट टेन और सेवन ये सेवनटी आ जाएगा इट मीन्स फोर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 70 इक्वल टू एन आ जाएगा जीरो जीरो कट गए सेवन सिक्स जा फोर्टी टू तो यहाँ से हमें क्लियरली एन की वैल्यू सिक्स आ गई अब एन की वैल्यू आ गई है देखो एन फाइन भी करना था हमें एन के बाद हम डी की वैल्यू डी की वैल्यू सिंपल ए एन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी देखो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं जिसमें ए एन ए एन हमें दिया हुआ है सिक्सटी टू है ए की वैल्यू ए की वैल्यू एट है प्लस एन क्योंकि हम एन की वैल्यू सिक्स निकाल चुके हैं तो यहाँ पे सिक्स माइनस वन इन डी डी रख सकते हैं अब यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 62 टू माइनस एट इक्वल टू सिक्स माइनस वन इट इज फाइव इन टू डी में से 8 माइनस करेंगे देखो तो 12 माइनस एट इट इज फोर यहां बचेगा 554 फिफ्टी फोर इक्वल टू फाइव डी और यहां से 54 फोर अपॉन फाइव इक्वल टू डी तो ये हमारी d की वैल्यू आ जाएगी इसका एट्थ पार्ट गिवन है ए एन इक्वल टू फोर एंड डी इक्वल टू टू एस एन इक्वल टू माइनस फोरटीन देखो यहाँ ए एन इक्वल टू फोर गिवन है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू फोर देखो ए की वैल्यू तो पता नहीं पर हमें डी पता है डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी इज टू इक्वल टू फोर अब इस बैकेट को ओपन कर देते हैं हम तो ए प्लस टू एन माइनस टू इक्वल टू फोर इस टू को अगर राइट हैंड साइड ले जाएं तो प्लस हो जाएगा इसमें ये फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन तो देखो टू प्लस फोर ये सिक्स हो जाएगा माइनस टू एन ये इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं इसको हम यहाँ हमने ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी निकाली है इन टर्म्स ऑफ एन निकाला है अब देखो दूसरा कंडीशन दिए हुए हैं एस एन का दिया हुआ है एस एन इक्वल टू एन बाई टू वैसे तो टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी होता है बट क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस एल देखो एस एन की वैल्यू है माइनस फोर्टीन एन बाई टू ए प्लस एल ए प्लस एल इज लास्ट टर्म दैट इज एन एथ टर्म तो फोर आ गया यहाँ पे. इस टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम तो ये जाएगा माइनस ट्वेंटी एट इसको सेपरेट करते हैं माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू एन अब यहाँ ए की वैल्यू देखो ये हम पहले ही सपोज कर चुके हैं ना निकाल चुके हैं इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ए की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा सिक्स माइनस टू एन ये ए की वैल्यू पुट कर दी हमने और प्लस का ये वाला फोर आ गया अब इस तरह से क्या होगा इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एन अकेला एक अननोन टर्म है बाकी सारी टर्म नोन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू एन ब्रैकेट के अंदर देखो सिक्स और प्लस फोर टेन हो जाएगा माइनस टू एन अब ब्रैकेट ओपन करके सब एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट एन को टेन से मल्टीप्लाई किया इट इज़ टेन एन और फिर एन को माइनस टू एन से किया तो टू एन स्क्वायर सबको एक ही तरफ शिफ्ट कर लिया टू एन स्क्वायर माइनस टेन एन माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू ज़ीरो पूरी इक्वेशन देखो टू से डिवाइड हो जाएगी ये टर्म ये टर्म और ये टर्म तो सबको हम टू से डिवाइड भी कर देते हैं टू से डिवाइड किया तो ये आ गया एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो अब हमें से दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 14 आए बट उनका मल्टीप्लीकेशन ओ सॉरी उनका डिफरेंस फाइव आना चाहिए और यहाँ माइनस है तो इसलिए डिफरेंस ले रहे हैं अगर यहाँ प्लस होता तो उनका एडिशन होना चाहिए तो देखो सेवन और टू ऐसे दो नंबर इनका मल्टीप्लीकेशन तो फोटीन आएगा बट सेवन माइनस टू इट इज़ फाइव तो इसको हम ब्रेक कर देंगे सेवन और टू में तो देखो इसे ब्रेक करेंगे पहले हम एन स्क्वायर और जब यहाँ पे कोई भी कॉफिशियन ना हो देखो यहाँ पे एन स्क्वायर का कोई भी कॉफिशन नहीं है तो जो हम फैक्टर्स लेते हैं उसी फैक्टर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है मतलब इसे हम दोबारा से फैक्टराइज़ ना भी करें डायरेक्ट दिखा सकते हैं इसको हम डायरेक्ट मीन्स देखो हमने फैक्टर लिया है माइनस सेवन और प्लस टू देखो माइनस सेवन प्लस टू इट इज माइनस फाइव तो हम लिख सकते हैं एन माइनस सेवन एन माइनस सेवन और एन माइनस टू इसके दो फैक्टर होंगे सॉरी एन प्लस टू इसके फैक्टर होंगे इट मीन्स एन माइनस सेवन इक्वल टू जीरो और एन प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो स्टूडेंट चाहें तो इसको अपने प्रॉपर मेथड से करें जैसे करते हैं फैक्टराइज वैसे कर लें फाइनली आंसर यही आएगा उनका देखो यहां से हमारे पास आंसर आ गया एन इक्वल टू सेवन और एन इक्वल टू माइनस टू अब एन माइनस टू तो हो नहीं सकता क्योंकि एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए ये कंप्लीट नंबर होनी चाहिए मतलब नेचुरल नंबर होने चाहिए इट मीन्स इसको हम रिजेक्ट कर देंगे इस नंबर को कि एन इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर देयर फोर रिजेक्टेड तो एन की वैल्यू आ गई सेवन अब आते हैं क्वेश्चन में वापस हम देखो क्वेश्चन में हमें एक एन फाइंड करना था और एक ए फाइंड करना था ए फाइंड करने के लिए हमने देखो यहाँ इक्वेशन पहले ही बना ली थी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम फ्रॉम वन फ्रॉम वन ए इक्वल टू सिक्स माइनस टू एन टू इंटू सेवन मीन्स सिक्स माइनस टू सेवन या फोर्टीन और सिक्स माइनस फोर्टीन देखा यहाँ माइनस कर सकते हैं तो ये आएगा माइनस का एट क्योंकि तो ये एट बड़ा है तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का एट तो ए आ गया माइनस एट और एन की वैल्यू सेवन और यही दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में इसका नाइन्थ पार्ट गिवन है ए इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू एट एन एस एन इक्वल टू वन नाइनटी टू हमें फाइंड करना है डी तो देखो तो सिंपली इसमें सम टू एन टर्म का फॉर्मला अप्लाई करते हैं इट इज़ एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन की वैल्यू गिवन है हमें वन नाइन्टी टू तो डायरेक्टली यहाँ वन नाइन्टी टू पुट कर देते हैं हम इक्वल टू एन ऑलरेडी गिवन है इट इज एट एट बाई टू टू ए टू इंटू ए इज थ्री तो थ्री आ जाएगा प्लस एन की वैल्यू एट माइनस वन इंटू डी अब देखो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म है जो अननोन है वो है डी तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं टू से कट किया इसको ये फोर आ गया इस फोर को हम चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे ला सकते हैं वन टू अपॉन फोर इक्वल टू टू थ्री या सिक्स प्लस एट माइनस वन इट इज सेवन डी इस फोर से से कट कर देते हैं हम पहले टू से कट करते हैं टू टू ज़ा एंड टू नाइन ज़ा एटीन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व फिर टू से कट करते हैं टू फोर 8 एट एंड टू एट 16 सिक्सटीन तो देखो तो तो यहाँ आ गया फोर्टी एट इधर से हम सिक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं ये सिक्स आ गया इक्वल टू सेवन डी अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा फोर्टी टू इक्वल टू सेवन डी इट मीन्स डी की जो वैल्यू आएगी उस सेवन से इसको डिवाइड कर देंगे हम फोर्टी टू डिवाइड बाई सेवन इक्वल टू डी सेवन से कट किया सिक्स आ जाएगा इट मीन्स डी इक्वल टू सिक्स और हमें डी ही फाइन करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था क्वेश्चन नंबर थ्री का लास्ट पार्ट टेंथ पार्ट इसमें एल गिवन है लास्ट टर्म गिवन है ट्वेंटी एट एंड टू एन टर्म वन फोर्टी फेर वन फोर्टी फोर और देर आर नाइन टोटल मैंने एन नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है इसमें तो इसमें सिंपल जो है सम टू एन टर्म का फॉर्मला अप्लाई कर सकते हैं एन बाई टू क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म गिवन है इसलिए हम ए प्लस एल का फॉर्मला अप्लाई कर देंगे देखो सम टू एन टर्म कितना है हमारे पास 144 तो ये 144 आ गया एन बाई टू एन हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स नाइन है तो ये नाइन आ जाएगा नाइन बाई टू ए प्लस एल हमें ए फाइंड करना है और एल की वैल्यू ट्वेंटी एट देखो इसमें एक ही मिसिंग टर्म है वो है ए तो ए इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इस टू से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और नाइन से डिवाइड कर देंगे इसको इट मीन्स वन फोर्टी फोर अपॉन नाइन इंटू टू इज़ इक्वल टू ए प्लस ट्वेंटी एट अब देखो इस नाइन से इसको मल्टीप्ला डिवाइड करना है इस नाइन से कट किया हमने तो नाइन वन जै नाइन यहाँ फाइव बचेगा और नाइन सिक्स यहाँ फाइव बचेगा फोर हो जाएगा फिफ्टी फोर नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर टू से सिक्सटीन को मल्टीप्लाई किया ये थर्टी टू आ जाएगा और इस ट्वेंटी एट को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो यहाँ माइनस को हो जाएगा तो राइट हैंड साइड बचा सिर्फ ए देखो 12 माइनस एट एट इट फोर और 2 माइनस टू जीरो तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई और हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ए फाइंड करना था